ओम साई राम। साई तीर्थ थीम पार्क में सभी साई भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारे बाबा परम दयालु है, वह अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं। द्वारका माई में जो धुनी प्रज्वलित है, उसकी उदी की महिमा तो अपरंपार है। आज के वीडियो में हम बाबा की परम दयालुता और उदी की महिमा के बारे में जानेंगे। यह घटना सन 1911 में घटी थी। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आपकी शिरडी साई नगरी की यात्रा को अधिक शानदार और मंगलमय बनाने के लिए भारत के सबसे पहले धार्मिक थीम पार्क साई तीर्थ को अवश्य विजिट करें, जो शिरडी साई मंदिर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां भव्य पर्दे पर बाबा की संपूर्ण जीवनी द्वारका माई में स्वयं साई बाबा से बात करने की अनुभूति के साथ भारत के 11 प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन और रोमांचकारी अनुभव देने वाला 5D में लंका दहन शो आप देख सकेंगे। बाबा के एक परम भक्त नंदराम संकलेचा पेशे से एक जमींदार और साहूकार थे। वह एक दयालु और नेक इंसान थे। उनके दादा राजस्थान के खरडे गांव से शिरडी आए थे। नंदराम जी का जन्म 1866 में हुआ था और वह शिरडी में पले बड़े थे। नंदराम जी का घर उन 5 धन्य घरों में से एक था जिनसे बाबा भिक्षा मांगा करते थे। उनका घर लगभग द्वारका माई के सामने ही था। बाबा को इस परिवार से खासा लगाव था। नंदराम जी की पत्नी राधाबाई, जिन्हें बोलने में समस्या थी, बाबा अक्सर उसे कहते, ओ बोबड़ी बाई, भिक्षा दे। यदि वह भिक्षा देने में देरी करती तो वह उसे गालियां देते और द्वारका माई लौट जाते। राधाबाई को भी उनकी गालियों से कभी बुरा नहीं लगता, वह तो उसे बाबा का आशीर्वाद समझती। सन 1911 में जब शिरडी में प्लेग की बीमारी फैलने लगी तो गांव के लोग तेजी से गांव छोड़कर जाने लगे। नंदराम जी को बुखार हो गया। उनकी लाल आंखें देखकर गांव के लोगों ने उन्हें बताया कि यह प्लेग का पहला संकेत है। यह सुनकर वह चौंक गए और अपने गांव यकूर के जाने के लिए बाबा की अनुमति लेने पहुंचे। बाबा ने उन्हें यह कहकर आश्वस्त कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और उन्हें उदी देकर अपने घर भेज दिया। कुछ ही दिनों में नंदराम जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए, उन्हें आराम मिल गया। उसके पश्चात उन्होंने अपने जीवन पर्यंत बाबा की खूब सेवा की। बाबा के वचनानुसार यानी अपनी समाधि के बाद 13 अक्टूबर 1946 को नंदराम जी का निधन हो गया। नंदराम जी बाबा के दानशूर भक्तों में से एक थे। उन्होंने द्वारका माई और बुट्टीवाड़े के बीच की जमीन समाधि मंदिर के विस्तार के लिए दान कर दी। उन्होंने मारुति तथा गणेश मंदिरों की मरम्मत और फर्श भी बनवाया। साई तीर्थिम पार्क साई के परम भक्त नंदराम जी को हार्दिक अभिवादन करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम साई राम।